यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हर मैच में भुया कैसे ली। तो सबसे पहले आप मेरा करेक्टर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, के करेक्टर था। मैं अपने करेक्टर कॉम्बिनेशन दिखा सकता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ मैं कौन से रैंक पर हूँ। मैं हीरोइक में हूँ, हीरोइक 3 स्टार। आप यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो कि मेरा 3 स्टार हूँ, अभी मेरा 4 स्टार लगा भी नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ अपना कैसे भुया करना है वगैरह वगैरह, ये सब बताऊँगा मैं आपको गाइस इस वीडियो में। और करेक्टर कॉम्बिनेशन देख लो, के करेक्टर क्योंकि हमें जोन में ईपी देगा, मिशा करेक्टर गाड़ी में डैमेज नहीं आएगी, फॉर्ड करेक्टर हमें एचपी देगा 3 सेकंड में 30 एचपी, और लोकेटा करेक्टर हमें 2 किल करने पर 50 एचपी देगा। अगर आप एचपी बूस्टर लगा लोगे गाइस तो आपको 280 एचपी हो जाएगा। मतलब नॉर्मल बंदे का तो सिर्फ 200 एचपी होता है, लेकिन आपका 280 हो जाएगा गाइस। 280 उस बंदे से मतलब ज़्यादा, 80 हेल्थ ज़्यादा हो जाएगी गाइस आपकी। और अगर आप अच्छे से खेलोगे तो अभी हम देख, अगर आपका भुया हो सकता है बहुत ज़्यादा किल करने होते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि कैसे क्या करनी है। हमारा लोड हो रहा है गेम, बताऊंगा हम बताऊंगा कि हर चीज़ क्या, कब, क्यों, कैसे करनी है, कब बंदे मारने हैं, कब सरवाइव करना है, ठीक है गाइस, कब जोन में जाना है, जोन रोटेशन लेनी है, कैसे लेनी है। अभी हम देख सकते हो हमारा लॉबी शुरू होने वाला है, हो चुका है। अभी मेरा लोड हुआ नहीं है, देख सकते हो कितने प्रॉपर बंदे आए हैं। मेरा लोड हो रहा था, देख सकते हो इन्हें। आप जिस रैंक पर हो उसी रैंक के बंदे आएंगे, घबराना मत गाइस, जिस रैंक पर उसी रैंक के बंदे आएंगे। बस कोई कोई टॉपर प्लेयर होंगे तो उनकी गन स्किन का डैमेज ज़्यादा होगा, तो उनसे फाइट मत लेना गाइस, ठीक है। देख सकते हो कैसे बंदे आ रहे हैं, हमारे सिर्फ 4 सेकंड बाकी है। बंदे भी तगड़े तगड़े हैं और मैच स्टार्ट हो चुका है गाइस। आप देख सकते हो हमारा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देख लिया था गाइस। हम आ चुके हैं अभी प्लेन में, और आप देख सकते हो कि प्लेन बरमूडा मैप आया है। तो हम सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भीमा शक्ति चलते हैं। हम भी क्लॉक टावर फैक्ट्री के पास पहुँचने वाले, रिमरन विलेज में है, क्लॉक टावर के पास आ चुके हैं, फैक्ट्री के साथ में है। भीमा शक्ति चलते हैं, सोच रहा हूँ गाइस कि वहाँ पर बंदे भी ठीक ठाक आते हैं, 4-5 बंदे किल भी आराम से मिल जाएंगे। तो जाते हैं गाइस जल्दी से, उतर रहे हैं, देखते हैं कि हमारा किल बनता है कि हम किल करते हैं। देखते हैं गाइस, हमारे पैराशूट खोल लिया, ओके। ओ भाई, ओ सही सही, ऊपर नहीं, ऊपर क्या उतर के तो फ़ायदा नहीं, किल मिलेगा नहीं। और नीचे उतरते हैं गाइस, नीचे देखो एक बंदा हमारे साथ और उतर रहा है। और अगर आपको सीरियसली रैंक पुश करनी है तभी इस वीडियो तक को देखिएगा, अगर आपको ऐसे रश करके गेम प्ले आपका तब ये वीडियो को छोड़ दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए गाइस। तो अभी उतर चुके हैं, हमें किंग फिशर मिली है, और सबसे पहले मेडिक किट वगैरह, शॉटगन की एमओ और एक स्कार मिल गई हमें, बैकपैक मिल गया हमें। सबसे पहले गन ढूंढनी होती है गाइस, मैंने उस किंग फिशर के बदले चेंज कर लिए। अभी देखते हैं कोई बंदे को ढूंढते हैं, जो बंदा अभी दिखेगा, एक तो बंदा उधर, अगर कोई बंदा साइड में उतरा होगा उधर तो वहाँ ज़्यादा लूट नहीं होती, मैं उसको आराम से मार दूंगा अगर कोई बंदा मुझे मिलेगा तो। अभी मैं लूट कर लेता हूँ आराम से भीमा शक्ति में। फर्स्ट पॉइंट है आपका लूट करना, एकदम बढ़िया लूट कर लेना है गाइस, आपको अच्छे से एकदम मस्त तरीके से लूट करना है गाइस, देख सकते हो आप। ओके, हमें अभी लेवल 1 है ये, इसको खोलते हैं गाइस।
Triple kill. Kill.
आपको भुया करना है तो आपको किल के पीछे नहीं जाना। सर्वाइव देखो, ऊपर बंदे लड़ाई कर रहे हैं, ऊपर 3-4 बंदे हैं, एक मर गए, 6 बंदे लाइव हैं, जल्दी से कवर चल जाते हैं। और इस घर का कवर ठीक है, बंदे देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है बंदे, अभी तो यहाँ पर कोई दिख, वो देखो बंदा देखो जाइज ड्रॉप के पास कहीं पर, अरे यार एमओ मिस होगी। और आपको लास्ट जोन में ज़्यादा फाइट नहीं करनी, क्योंकि पहले उनको फाइट करना है तो गाइस, और जब टॉप 3 टॉप 2 हो जाए तब आपको फाइट करनी है। और आपको गोलियां भी नहीं चलानी, क्योंकि उनको आपकी पोजीशन का पता चल जाएगा गाइस। और जो हम जोन के बाहर हूँ, जिन्हें मैं अंदर जाना बोल रहा इस इधर जाता हूँ, इधर पत्थर था मैंने बोला था गाइस, इस पत्थर के बीच छुपते हैं, गाड़ी थोड़ी सी आगे खड़े करते हैं। बंदों को लगे कि बंदा उधर मर चुका है, इसलिए गाड़ी ऐसे पड़ी है कहीं पर, लेकिन पत्थर कवर सही है गाइस। अभी देखते हैं कितने बंदे हो ना, और टॉप वो देखो एक बंदा छुप रहा है वहाँ पर, शायद उस बंदे को मेरी पोजीशन का पता है तभी तो, नहीं वो किसी और के ऊपर फायर कर रहा है, मैं जरा उसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो तो हिल ही जा रहा है गाइस। देख रहे हो ऐसे ही आपको भी हिलते रहना है, और आपको किसी बंदे का फेट कर रहे हो आपको पता है वो कहाँ पर है, तो आपको हिलते आपको सिट डाउन सिट अप करना, जैसे मैं कर रहा हूँ, कि आपको कोई पीछे से गोली मारेगा तो आपकी बॉडी शॉट ही पड़ेगी, हेड शॉट नहीं पड़ेगी गाइस। आप देख सकते हो अभी वो बंदा देखो हिल ही जा रहा है, हिल ही जा रहा है, बंदे को देख रहा है, सिट अप कर रहा है, घूम रहा है कि कोई बंदा उसको ना मार दे पीछे आगे दाएं बाएं से, इसीलिए वो घूम रहा है। अभी टॉप 3 हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो, और हम जोन के बाहर हैं, और 10 सेकंड्स में जोन चेंज होने वाला है। और वो देखो बंदे फाइट कर रहे हैं, टॉप 3 हो चुका है, चलो चलते हैं जोन के अंदर। टॉप 1 सेकंड रह गए जोन श्रिंक, अरे भाई साहब बंदे बंदे वो बंदा हुआ ही नहीं, अगर वो बंदा इधर खड़ा होगा ना गाइस थोड़ी देर के लिए भी एकदम, तब मैं स्कोप खोल के वुड पैकर से इसको मार दूंगा, बंदा रुकेगा थोड़ी देर के लिए भी वहाँ पर तो मैं इसको मार दूंगा। अब जोन श्रिंक हो रहा है गाइस, तो अभी मुझे जाना चाहिए, गाड़ी लेके मैं चलता हूँ, मैं जोन के अंदर जाता हूँ। उससे पहले वो बंदे फायर कर रहे हैं, वो बंदा वो मेरे को फायर कर रहा है, मैं पत्थर का कवर लेता हूँ, लेकिन ये पत्थर छोटा लग रहा है, हाँ ये छोटा है, इसलिए मैं ग्लू वॉल का कवर लेके बैठता हूँ। वहाँ पर एक बंदा आ रहा है, मैं उसको डैमेज देता हूँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा डैमेज दिया, उन दोनों के फाइट होने दो गाइस, मैं उसको डैमेज दिया, वो मर सकता है क्या, फिर उन दोनों में कोई जो भी मरेगा, मैं इस पत्थर का कवर लेता हूँ थोड़ा सा, हल्का फुल्का कवर आ रहा है लेकिन मेरी पूरी बॉडी कवर नहीं हो रही ना। वो देखो वो बंदे फाइट कर रहे हैं दोनों, मैंने ग्रेनेड ले लिया, ओ लेकिन मैंने गलती करी यार, ग्रेनेड मैंने कुछ ज़्यादा ही आगे फेंक दिया, मतलब वो लोग जल्दी आए, जब आते तब मुझे तब फेंकना चाहिए था। Kill!